क्या लगाते है? आलू लगाते, छीमे लगाते, वो राजमा। अच्छा राजमा, कहाँ पे है आपका खेत? हमारे यहाँ तो बहुत राजमा होती थी, अब तो पूरा बैग आया यहाँ थे खेत। जिस दिन वो आता है ना, पूरा गांव बैग आया, एक जाल में पूरा गांव वाले एक ही जाल ले गए, सब जाल वाला ले गए, सब जाल वाला ले गए जोशीमठ। जोशीमठ मेरे जितना लड़के का लड़का है। हाँ लड़के है। अरे तो आपकी उम्र कितनी है फिर? मेरे तो बहुत उम्र हो गया यार बेटा, यहाँ पर कुछ था ही नहीं इस टाइम से, मैं यहाँ पर रही शादी हो गई इतनी बड़ी थी मैं। अरे बाप रे। अब याद भी नहीं है, इतने गिनती भी नहीं आती मेरे को। पर एक मत आती है थोड़े का, तो जितना चले गए अब हमारा क्या है। सबसे अच्छा होना चाहिए, सारा प्रेम में सब काम करता, प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं। तेरा ऊपर से नीचे आना तक मेरा आशीर्वाद रहेगा। अरे मिलेंगे मिलेंगे जरूर, मैं आपसे मिलने आऊंगा। लाल पानी की पेटी में इसी को खिलाएंगे फिर, ठीक है? अरे मैं पक्का आपसे मिल। आप कहाँ पे रहते हो? यहाँ पर रहती मैं, वो जहाँ पर कपड़ा डाल रखा है ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ। रास्ते में। हाँ, हाँ। इसका ही नीचे रहते, भारे में बैठे थे, भारे में बैठे। मैं आते मैं ढूंढता हूँ आपको, आप मिलेंगे तो मिलके। प्रमोद की माँ कहाँ पर है? प्रमोद की माँ। हाँ। अच्छा कितनी खूबसूरत लाइन लिखी है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम सब एक हैं, राष्ट्रीय संपदा की रक्षा करें। इमरजेंसी के अंदर अगर गांव वालों को या फिर कुछ ट्रैकर्स को यहाँ से नीचे ले जाना हो तो उसके लिए हेलीपैड्स है वो सामने, और इस हेलीपैड का नाम है कांजीला हेलीपैड। अब यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर है गांगरिया। यहाँ पे कहीं पे खाने के लिए कुछ मिलेगा क्या? इनसे कुछ, ये होटल है यहाँ पे, ये वाला, ये वाला यहाँ से। अंकल खाने के लिए कुछ मिलेगा? कहाँ पे? इधर पे। अरे भाई तुम्हारे पास है कुछ खाने के लिए? अच्छा अच्छा, खिला दो या कुछ भी। गांगरिया यही है ना, इसके बाद फिर वैली ऑफ फ्लावर्स 3 किलोमीटर। खिला दीजिए भैया कुछ भी। हाँ चलेगा। चाय कॉफी में कुछ मिलेगा? चाय मैं बॉम्बे से आ रहा हूँ। आप लोगों को कितना देर लगता है? वैली में तो कुछ खाने पीने का नहीं मिलता ना? नहीं भी है, अलाउड होना भी नहीं चाहिए, सब गंदगी भी होगी नहीं तो। वाह टमाटर वमाटर डाला आपने तो वैली में। पानी भी पिला दीजिए थोड़ा सा। आप यहीं रहते हैं? हाँ जी मेरा ही। यहाँ पे बर्फ गिरती है क्या? दिसंबर के आ गया, दिसंबर से मई तक यहाँ बर्फ रहती है।
ये आपके गांव में यहाँ पे? अच्छा, तो आप लोग यहीं रहते हैं, नीचे शिफ्ट हो जाते हैं? 4 महीने बाद सीन डाउन जैसे मतलब बंद रहता है, उसके बाद नीचे हमारा गांव है पुलना, जो आपके अभी जो पड़ा हुआ रास्ते में। हाँ हाँ हाँ, मतलब आप 10 मिनट मान लो। हाँ हाँ, तो फिर हमारा वहाँ पर हम वहाँ से करते हैं। अच्छा, तो भैया वो जो आपदा आई थी तब आप लोग आप कहाँ पे थे उस टाइम? भैया हम लोग यहीं थे, बट यहाँ यहाँ इतना अफेक्ट नहीं किया आपने ना, मतलब यहाँ भी पानी आया था। हाँ, बट वो यहाँ चेक डैम बने होते हैं तो पानी वहाँ तक आके वो डाइवर्ट हो गया दूसरी तरफ, यहाँ नहीं आया पानी। अच्छा, तभी घांगरिया में कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं हुई? नीचे के गांव तो बह गए थे पूरे? दोनों गांव गए, दोनों गांव गए उस टाइम पे, लोगों के पूरा जिंदगी भर की जमा पूंजी चली गई। गोविंद घाट में कम से कम 60-70-80 माले के, मतलब 60-70 कमरे के मतलब होते होटल थे, वो पूरे बह गए। 60-70 कमरे के होटल? अरे बाप रे बाप, 20 कमरे के, 40 कमरे के। तभी अभी गोविंद घाट में ज्यादा होटल्स है नहीं। आप ये अच्छा कि पेपर के ग्लास में देते हैं ताकि गंदगी नहीं हो, प्लास्टिक नहीं होता है। बड़ा ध्यान रखा हुआ है आपने, और आपकी आप ध्यान रखेंगे तभी अच्छा होगा, नहीं तो टूरिस्ट तो आके कुछ भी किधर भी फेंकता है। बढ़िया नाश्ता कर लिया है, और मैं हूँ घांगरिया गांव में, और यहाँ से अभी 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए। आप देख रहे कि ज़्यादातर दुकानें बंद है, अभी आज दूसरा ही दिन है वैली खुले, तो होम स्टेज और शॉप्स ओपन नहीं हुई है। लोग तैयारी में हैं कि जैसे ही गवर्नमेंट से परमिशन आती है ऐसे ही अपना सामान भरना शुरू करेंगे, और उनकी थोड़ी सी जो भी आमद होती है वो हो जाएगी। और पीछे जिनके यहाँ पर मैंने मैगी खाई, वो भैया ने बताया कि यहाँ पर हर लाइन के अंदर 7-8 स्वीपर रहते हैं जब लोग आने शुरू होते हैं। तो घांगरिया में आपको GNVN की तरफ से, गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से, एक टूरिस्ट रेस्ट हाउस भी मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे तो आप रुक सकते हैं, साफ सुथरा है, हालांकि अभी खुला नहीं है। यहाँ पर मुझे रुकने के लिए जगह भी मिल गई है, और ये है श्री नारायण होटल, अभी जो खुला हुआ है, हालांकि आज लाइट नहीं है, नीचे कोई तार का फॉल्ट हो गया है ना भैया? नीचे पेड़ काट है ना, वो HDRF। हाँ, मैं देखा नीचे तारे टूटे हुए, पेड़ काट उन्होंने, तो पेड़ तारों के ऊपर गिरा हुआ, तो तार टूट गए। अच्छा, ये जगह है रुकने के लिए, एक डिसेंट अच्छी जगह है, साफ सुथरे बेड्स है, साफ वॉशरूम है, और ये वॉशरूम देखेंगे तो क्लीन है एकदम, बेड क्लीन है, वॉशरूम क्लीन है, यहाँ पर आकर आप स्टे कर सकते हैं। यहाँ से फिर आगे की जर्नी जो है वैली ऑफ फ्लावर्स की, आप अगले दिन शुरू कर सकते हैं, हेमकुंड साहब और वैली ऑफ फ्लावर्स, तो मैं भी वैसा ही करूँगा। यहाँ से अभी 3-3.5 किलोमीटर का ट्रैक बचा है वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए, तो अब यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ वैली ऑफ फ्लावर्स, वहाँ के कुछ नज़ारे देखेंगे, कुछ टाइम लैप्स वीडियो लेंगे। हेमकुंड साहब अभी देखते हैं कितना इजाज़त मिलता है और कितनी दूर तक जा सकते हैं। एन इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री शो ऑन द वैली ऑफ फ्लावर्स इज हियर फॉर यू, और इधर ही आपको कुछ फोटोग्राफ्स, बुक्स, CD, डायरी वगैरह मिल जाएंगे। पॉलीथीन रेनकोट्स आर टोटली बैंड इन हेमकुंड रूट एंड वैली ऑफ फ्लावर्स, तो प्लास्टिक एकदम बैन है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। नेचर के सेंटर, इंफॉर्मेशन सेंटर, डॉक्यूमेंट्री शो।
ये चेक पॉइंट है जहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। यहाँ पर आपकी चेकिंग होगी कि आप कोई प्लास्टिक तो नहीं लेकर जा रहे, कुछ ड्रोन तो नहीं लेकर जा रहे। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ की एंट्री फीस है इंडियंस के लिए 150 रुपये, फॉरेनर्स के लिए 600 रुपये। और यहाँ पर रूट मैप्स भी बने हुए हैं कि आपको किस जगह पर कौन से फूल देखने को मिलेंगे। ब्यूटीफुल वैली है, साथ ही पानी की आवाज़ चलती रहेगी। वैली सुंदर है, ये जो नदी बह रही है, साफ पानी का झरना, वो बहुत खूबसूरत है। कितनी खूबसूरत वैली है ना, और कितने तरह के फूल हैं यहाँ पर। अगर देवता किसी जगह वास करते होंगे, उनका रहने का कोई स्थान होगा, उनका खुद का कोई बगीचा होगा, तो वो बिल्कुल यही होगा। इसीलिए इस जगह को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। इस वैली की खोज का जो किस्सा है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 1931 के अंदर एक ब्रिटिश माउंटेनियर थे, फ्रैंक स्मिथ। वो अपने दो साथियों के साथ में अपने एक मिशन से लौट रहे थे और तभी वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद वो एक ऐसी वैली में पहुंचे जो सारी फूलों से भरी हुई थी। और फिर इस जगह की खूबसूरती को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। उसके कुछ सालों के बाद में 1937 के अंदर वो एक बार वापस से इस वैली में आए। फिर उसके बाद में उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर। बस उसी किताब के बाद में लोगों को इस वैली के बारे में पता चला। बाद में 1982 के अंदर भारत सरकार ने इस वैली को नेशनल पार्क घोषित कर दिया। ये वैली समुद्र तल से करीब 3,500 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ पर आपको 500 से ज़्यादा प्रजातियों के फूल मिल जाएंगे। यहाँ के लोकल्स ने बताया कि हर 2 हफ्ते के अंदर ये सारी वैली अपना रंग बदल लेती है। मतलब जो फूल आपको अभी नज़र आ रहे हैं, उनका जीवन काल सिर्फ 2 हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा और फिर इनकी जगह पर कुछ नए फूल आ जाएंगे, कुछ नए रंगों के साथ। लो जी, हम पहुंच गए हेमकुंड साहब गुरुद्वारे पर। और अभी गुरुद्वारा टूरिस्ट के लिए खुला तो नहीं है, पर हम यहाँ पर इस सरोवर के किनारे बैठ सकते हैं, गुरुद्वारे को बाहर से देख सकते हैं और इस पवित्र भूमि को प्रणाम कर सकते हैं। ये गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को समर्पित है और ये वही स्थान है जहाँ पर कभी लक्ष्मण जी ने, पांडवों ने
और गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान साधना की थी। इस पावन भूमि को प्रणाम है। यहाँ पर एक लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। इस मंदिर को लोकपाल लक्ष्मण मंदिर भी कहा जाता है। इस स्थान के बारे में गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके द्वारा रचित दशम ग्रंथ के अंदर बताया था। उन्होंने पिछले जन्म के अंदर यहाँ पर तपस्या की थी। बाद में संत सोहन सिंह जी ने ये जिम्मा लिया कि उस जगह को खोजा जाए जिसका वर्णन दशम ग्रंथ के अंदर किया गया। फिर यहाँ के स्थानीय लोगों की मदद से ये पता किया गया कि वो स्थान कहाँ पर है जो 7 पर्वतों से घिरा हुआ है, जहाँ पर बर्फ़ का एक कुंड मतलब कटोरा है। वो स्थान जहाँ पर कभी पांडवों ने ध्यान साधना की थी। इस स्थान को खोज लिया गया और फिर यहाँ पर गुरुद्वारा बनाने का काम शुरू हुआ। और फिर 1937 में यहाँ पर गुरुद्वारा बनकर तैयार हो गया। और आज ये गुरुद्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित गुरुद्वारा माना जाता है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसे भी सच सोचे सोच न हो वई जे सोची लखवार चुपै चुप न हो वई जे लाए रहा लिवतार भुखिया भुख न उतरी। आप हेमकुंड साहब तक जा सकते हो, पर सरोवर पे बैठ सकते हो, स्नान कर सकते हो, पूरा वो देख सकते हो, मतलब अंदर कमरे में गुरुद्वारे के अंदर दर्शन नहीं कर सकते। नहीं, कोई नहीं रुकेगा, दर्शन करो हेमकुंड साहब। आपकी किस्मत अच्छी है कि वहाँ तक जाने को मिल रहा है कम से कम। सहस सियाण पलख हो है ता इक ना चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़े टूटे पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया।